देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। बीती रात बैडन से परसोना की ओर भाग रही अवैध शराब सहित बोलेरो को पीछा करके कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से बरामद देसी मदिरा करीब 360 लीटर बताई जा रही है। एसपी रियाज इकबाल के निर्देश पर अवैध कारोबारियों के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई इस कार्रवाई में अब तक करीब 800 लीटर शराब पकड़ी गई है, जिसमें आधा सैकड़ा कारोबारियों के विरुद्ध प्रकरण बनाया गया है। सूचना के आधार पर UP-64E 599 नंबर की मार्शल में ले जाई जा रही 40 पेटी शराब, जिसकी कीमत करीबन 1,20,000 रुपये है, आज पकड़ी गई है। तीन आरोपी रामहित गल्लू वीरेंद्र कुमार, सभी निवासी चिनगो थाना बरगवा के हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। 34-2 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। अभी ऐसे तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं, लेकिन चारों ओर आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जगह जगह चेकिंग पॉइंट FST और SST लगी हुई है, इस बिंदु पे भी विवेचना की जा रही है। खबर समय जगत के लिए सिंगरौली से ओम प्रकाश दुबे के। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।